آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे शो सवालों के सफर में। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गुनाह का तर्क कर देना आसान है तौबा मांगने से। आइए इसी के साथ सवालों का सफर का आगाज करते हैं और मिलते हैं आज के पहले पार्टिसिपेंट से। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आदिल मर्चेंट साहब, पढ़ाई चल रही है आपकी? Yes. और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माशाल्लाह। और सवालों के सफर के रूल से वाकिफ हो? हाँ। जानते हो? Yes. दोनों लाइफलाइन के बारे में वाकिफ हो? Yes. तो शुरू करें बिना कोई ताखीर के। Yes. ओके, पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये किसने फरमाया? ए हजरत अली अलैहिस्सलाम, बी जनाबे बी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, डी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। महफूज कर लूँ? बिल्कुल। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, दिस इज द राइट आंसर। आप इसके अरबी से वाकिफ हो? हाँ बिल्कुल। बोलिए। हुसैनो, हुसैनो मिनल व आला मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, माशाल्लाह। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की शहादत कहाँ हुई? ए करबला में, बी कूफा में, सी शाम में, या डी मदीने में? बी कूफा में। बी कूफा में, श्योर? श्योर। महफूज कर लो? हाँ बिल्कुल। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी कूफा में महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी कूफा इज द राइट आंसर। आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस नबी की ना बीबी थी ना बच्चे? किस नबी की ना बीबी थी ना बच्चे? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, या डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम? डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, श्योर? आपने कहीं पढ़ा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कोई औलाद न थी? टफन। पहली बार आदिल मर्चेंट साहब सोच रहे हैं, वो कौन से नबी है जिनकी ना बीवी थी ना बच्चे? ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, श्योर? श्योर। महफूज कर लो? बिल्कुल। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महफूज कर ले और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। जनाब याकूब के तो कई बच्चे थे जिनमें सबसे फेमस जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के? हज़रत इस्माइल। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। और जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे का वाक़िया कुरान मजीद में मौजूद है। उन्होंने उनको दावत दी कि वो आ जाए बोट के ऊपर, जो उनकी बोट थी, शिप थी, उसके ऊपर बोट कर ले, अपनी जान बचा ले। और उसने कहा, नहीं बाबा, मैं उस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और मैं महफूज हो जाऊंगा। लेकिन उस दिन अल्लाह के अजाब से कोई बचने वाला ना था। ओके ओके, आगे बढ़े। यस। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ए हाथी यानी एलिफेंट, बी जिराफ, सी ब्लू व्हेल, या डी व्हाइट बेयर? सी ब्लू व्हेल। सी ब्लू व्हेल, जनरल नॉलेज का सवाल, सी ब्लू व्हेल महफूज कर लो? यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी ब्लू व्हेल को महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर।
ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, बिगेस्ट लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, ओके, बहुत बड़ा होता है ये, हाथी से भी बड़ा होता है। पांचवा सवाल, लेवल वन का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, नमाज शब पढ़ना कैसा है? ए वाजिब, बी मुस्तहब, सी हराम या डी मकरूह? ए वाजिब। ए वाजिब, श्योर? श्योर। इसका मतलब, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई नमाज शब स्किप करता है तो अल्लाह उसे जहन्नुम में डालेगा, कंपल्सरी। बी मुस्तहब। बी मुस्तहब, महफूज कर लो। बिल्कुल। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी मुस्तहब को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी मुस्तहब इज द राइट आंसर। मुस्तहब मुअक्कदा है, हाईली रिकमेंडेड बट नॉट वाजिब। इसकी बहुत तासीर है, बहुत ताकीद की गई है कि नमाज शब पढ़ी जाए पढ़ी जाए। यानी बीवी ज़ैनब के लिए फेमस है कि वो जिंदान के अंदर भी नमाज शब जरूर पढ़ते थे, इतनी इसकी ताकीद है। ओके, पर ये वाजिब नहीं है। ओके, बहरहाल नाजरीन, इसी के साथ लेवल वन मुकम्मल हो चुका है। हम फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।